क्या काम है बेटा? इसमें 10 लाख रुपए है। 10 लाख? बस मेरी बेटी को कैसे भी पुलिस की नौकरी दिलवा दो पकौड़े तल के। ऐसे कैसे पैसे? ये तो डोमेस्टिक वाला घरेलू मामला है ना, एमएलए से बात कर लूंगा, मुफ्त में हो जाएगा सब। अब तुम एमएलए से बात करोगे और एमएलए को मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी, और मिनिस्टर बिना फालूदा पिए नहीं मानेगा। वैसे तो पिछले साल ही सिलेक्शन का सैंडविच खा लेती, लेकिन बीच में एसीपी ने अचार डाल दिया। इन पैसों के लिए मुझे 10 किलो प्याज काटने जितने आंसू आए। मतलब ग्लास भर गया होगा। एक बात और बेटा, मैं इतनी बड़ी रकम किसी और को तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम तो घर के मुर्गे हो। इस बारे में और किसी को बताया है? तुम पहले और आखिरी कस्टमर हो बेटा। तुम्हारी पहुंच को देखकर मेरे मन में उम्मीदों की खिचड़ी बन रही है। बेटा ये पैसे रखो, एमएलए को खिला दो और मेरी बेटी को पुलिस में भर्ती करवा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ, हाथ वजनी हो रही है। अरे रुको बेटा, मेरी बेटी को मत बताना कि मैं उसकी नौकरी के लिए रिश्वत दे रहा हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी खोपड़ी की पानी पूरी बना देगी। सुनो, ये मैटर हमारे बीच ही रहे। बीचो बीच ही रहेगा। प्यार का टोकन मिल गया, पोजीशन भी जल्दी मिल जाएगा। सिर्फ 40 घंटे बचे हैं। हड्डी छोड़कर सब कुछ खराब हो गया है। इतनी दारू सिगरेट पीने के बाद भी जिंदा है, ये तो एक चमत्कार है। अब ये मेरी नहीं भगवान की गारंटी है। चलता हूँ। सिस्टर क्या हुआ, की बोल लो? डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे और जिएंगे। अरे डॉक्टर का जो पकोड़ा तल ले, तेरा बाप क्या बोला? अरे ऐसी हालत में क्या बोलेंगे? अरे तू अब टेंशन दिसना, 5-10 टका का बात नहीं है, 500 करोड़ का बात है। मरने से पहले बुड्ढे को पूछना पड़ेगा पैसा कहाँ छुपा है। मैं पूछ पूछ कर थक गई, पर बुड्ढा बताता ही नहीं है। उसने उस पठानी एमएलए को बुलाया है। कोई दोरजी को? उसको काई को बुलाया? हमारा दिमाग का बहुत ही जल गया। तेरे को बोला था उससे ब्लाउज मत सिलवा कर, किंतु तू सुनिस ना, 50 रुपए का ब्लाउज सिलने वाला आज 500 करोड़ का मालिक बनेगा। बस आप टेलर बन जाओ। एकदम ठीक। ओम क्रीम आइसक्रीम, ओम क्रीम आइसक्रीम, ओम। मुच्छड़ मामा बोल भांजी, ये कब से आइसक्रीम आइसक्रीम बोल रहे हैं? आइसक्रीम पिघलेगी तो नहीं? ये बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। जमीन पे आया है क्या? खोए हुए इंसान से लेकर इधर उधर रखी चड्डियों तक को ये अपने मंत्र से ढूंढ निकालते हैं। अभी पिघली हुई आइसक्रीम का केस संभाल रहे हैं, इसके बाद पुष्पा को ढूंढेंगे वो, समझे? स्वामी, वाइफ का नाम बोलो। बाबा वो मेरी असली बीवी नहीं है। मंगल सूत्र डाला? हाँ, 100% असली। नौटंकी बंद कर, नेम बताओ उसका। पुष्पा। पोइष्पा, पोइष्पा 4 अक्षर है। बाबा करेक्शन है, पोइष्पा नहीं पुष्पा। स्वामी ने 4 बोला तो 4 ही होगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। ए चुप रहो। ये तो पान बना रहे, इनको बोलो सिर्फ कत्था लगावे, चूना ना लगावे। तंत्र मंत्र की दुकान से पहले इनकी पान की दुकान थी। ये तो खा गए। पान बिना ज्ञान अधूरा है। ये पान को गिरीस क्यों लगा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हवा के झोंके से पत्ता और दुपट्टा सब हिल रहा है। समवन कमिंग इसी तरफ। ऐसा लग रहा है वो वही है, तेरी पुष्पा। पुष्पा दिखाई दे रही है? हाँ, एकदम अच्छे से। आगे सुन। स्वामी जी, बोल बच्चा। मैं अपनी नकली अर्धांगिनी को देख सकता हूँ? हाँ, सरस। लाओ दिखाड़ो। जय हो स्वामी जी, पुष्पा दिख रही है। स्वामी जी आप महान है, आपने कहाँ से कोर्स किया है? ए मामा, पुष्पा दिख रही है, साक्षात दिख रही है, और उसने गॉगल भी लगाया है, 3D की तरह पास आ रही है। स्वामी जी उसने काले रंग का ब्लाउज पहना है ना स्वामी जी? सही जवाब। और उसके हाथ में लाल रंग का बैग भी है। और हरे रंग की साड़ी भी पहनी होगी। हाँ टकलू मामा, उसने हरे रंग की साड़ी पहनी है। आपने होल में देखे बिना सच कैसे बोला? क्योंकि दुनिया गोल है, अंदर से पोलम पोल है। मामा भी बाबा बन गए। अभी भी दिखाई दे रही है क्या? बच्चा, 500 लोकेशन बताने के लिए और 5000 लोकेशन को इधर लाने के लिए कौन से देगा, लाल या हरे? तेरे को हरे नोट चाहिए? वो जो नोटबंदी के 500,000 के जूने नोट पड़े ना, इसके मुंह पे मारो मामा। और ये उमराव जान आ गई है, उसकी तो जान निकलता हूँ। उभी रहे क्या जाए छे? पति को छोड़ के कहाँ गई थी? मैं गंगा जी में डुबकी लगा के सारे पाप ड्राई क्लीन करके आई। डूब क्यों नहीं गई? तेरे को मंगल सूत्र सिर्फ दिखाना था, डाला काय को? और ट्विटर पे मेरी फोटो ट्वीट क्यों की? देख आधा हिंदुस्तान जान गया कि तू और मैं पति पत्नी है। ए तेरा पति बनने से पहले जहरीली पत्ती खा लूं। पुष्पा बहन कहाँ रखूं? अंदर कोने में रख दे।
ए खटिया वाले भाई, उसमें सोएगा कौन उसमें? क्या रे, डिटेल में जाऊं क्या? अब तक नहीं समझा, अंगूठे के साथ साथ खटिया भी मिली है। मामा आशीर्वाद की थपकी तो दे। मामा आशीर्वाद दे रहे हो, मेरी खटिया खड़ी हो गई। आशीर्वाद दे रहे हो, फिर क्या जाए? अरे तुम जाओ ने। ए पुष्पा बता, ब्लैकमेल करेगी? मैं मेल भी हूँ ब्लैक भी हूँ, तलाक के कागज लेकर आया हूँ, इस पे अंगूठा मार दे। उंगली मत मारना, अंगूठा ही मारना। अंदर जाने भाई। अरे भाई वो रे, मेरे घर में इतना मजबूत पलंग नहीं है, ले जाना भाई। तूने मुझे प्रवेश करने दिया है जो मैं तुझे प्रवेश करने दूँ? चुपके से मंदिर में जाके तूने चुटकी भर सिंदूर नहीं भरा? 1000 पब्लिक के सामने तूने गले में मंगलसूत्र डाला, असली शादी हुई तो है। मैं तेरी बाइक हूँ और ये खोली है मेरी। ये तू लेके जा, लेके जा, अपने घर पे ला सबको जा। आया बड़ा ऐसा टाके वाला। हाँ तू उभी रहे, तू देख लेना, मैं एमएलए को लेकर आऊंगा, उसके सामने साइन कराऊंगा, हमारा तलाक होगा, डांडिया करूंगा। हवा में बांध नक्को चला, लेके आ उसको। मैं 10 मिनट में उसको लेकर आता हूँ, तू उभी रहे, उभी रहे। आते समय घास लेट और राई का तेल लेते आना। तू किचन में आग लगा, मैं तुझ पे घास लेट डाल के आग लगा दूंगा। अभी आता हूँ। इंतजार करेगी। अगर बाइक को टेस्टी खाना बनाना सीख लेना तो मैं बाहर काय को जाऊं। मैं नाइट में नाइटी में तेरे कान में क्या फुसफुसाई थी? मैं तो भूल गया, चूरन देना पड़ेगा। हाँ, इस एनिवर्सरी की रात को तुम कह रही थी कि तुम रप भजिया तलोगी और मैं कप अगप उसको खाऊंगा। अरे लकेश, पिछले एनिवर्सरी पे बोला था ना कोहिनूर की अंगूठी देगा, तेरे को याद नहीं रहता क्या? अरे देने को क्या है, मैं तो अभी दे दूं, लेकिन गुस्से में कहीं तू चाट लेगी तो फिर मेले। कैसा खाए प्रेम? खाना ईटेगा भोपाली? नहीं भाभी, मैं खाकर आया हूँ। यहाँ नहीं खाएगा, ये तो अपने होने वाले ससुर के ढाबे की रबड़ी खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे पाप लगेगा तेरे को, आंख पे बड़े बड़े फोड़े आएंगे, पॉलिटिशियन से झूठ बोलता है। कैसी बातें कर रहे हो? का लव का फुग्गा फुला रहे का? अरे नहीं भाभी, मेरी फिरकी ले रहे हैं। सच सच बोल दे। हम लोग जाके एंगेजमेंट की बात करें क्या? तेरी इंग्लिश सुन के लड़की ना बोलती कि जाना। चल अब मतलब की खीर पका। ये क्या है रही? 10 लाख रुपए। मेरे को नहीं चाहिए, ढाबे के मालिक ने दिए। काय को? आपको तो पता है प्यार की चीटी काटने लगी है मेरे को, और लड़की को एक्शन भी पसंद है, इसीलिए पुलिस वाली बनना चाहती है। बेचारी बहुत बार ट्राई भी की, सिफारिश का धक्का मिल जाए तो खाकी में बहुत जचेगी। मैं क्या उसके लिए ड्रेस सिल के दूं? अरे उसके लिए मैं हूँ ना, उसे बस नौकरी दिला दो। यहाँ पे घर के पास की चौकी में लगवा दो ताकि मेरा भी चौकी चूल्हा चल जाए। पैसा काय को, मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया। हॉस्पिटल में मिनिस्टर से मिलके डीजीपी से बात करके बताता हूँ। अरे आपको पैसे का लालच नहीं है, पर आगे वाले लालची को देने पड़ेंगे। अरे तू मेरे छोटे भाई जैसा। अरे बाबा पैसा रख। अरे क्या कर रही हो शर्मा? अरे रख। अरे रख लो, जिद मत करो। मैं दो ही बार ना बोलता हूँ। पठानी पठानी एमएलए। अरे क्या हो रही है, बोनट में घुसेगा क्या? कुछ हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों मेरे साथ चलिए। अरे सोच क्या रहे हो, चलो ने चलो। क्या कर रही है? मामा ठहरा जो तेरे साथ घूमने चले। पुष्पा ने मेरे घर में पैर फैला दिए और अपनी घटिया खटिया भी साथ लाई है। उसने बंगाली बाबा के सामने कसम खाई है कि एमएलए के सामने डिवोर्स देगी। जो बोलना है सच बोल, सच के सिवा झूठ नहीं। आपको एमएलए से सीएम बनाने के लिए हमने सामूहिक लग्न का प्रोग्राम रखा था। इसने मेरी नकली शादी पुष्पा के साथ करा दी थी, याद है? अब वो नकली बीवी पुष्पा असली खटिया लेकर मेरे घर में सोने आ गई है। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। तो चलिए अपने काले का लूटे हाथों से उसको लाफा मार के साइन करवा दो ने तलाक पे। तूने अपने दोस्त की समाधि पे अपने प्यार का चिराग जलाया? तो इसने आपको पर्दे में रखा? तुझे तो बताइए कितने बिजी ठहरे, सीएम बनते बता देता। बकोड़ा, लोग कहते हैं पॉलिटिशियन पे भरोसा मत करना, मैं कहता हूँ तेरे जैसे दोस्त पे भरोसा मत करना। बड़ा नहीं भाई, कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी हो रही है, टुच्ची सी बात है, घर घर की कहानी। घर घर की कहानी वाले, वहाँ मेरे घर में आग लग रही है। उस आग को पुष्पा बुझा देगी, मंत्री साहब बहुत सीरियस है। बड़ा नहीं भाई, वो शादियाँ आपने करवाई थी, लोगों के सामने शादियाँ फर्जी निकली तो फिर दर्जी बन जाओगे, इसलिए मुफ्त में ना सोचो, जहाँ कुछ मिले वहाँ सोचो। आप चलो, इसकी पुष्पा को मैं कुछ करके आता हूँ। मेरी छाती पर बैठ के मुंग दल रही है, वो छाती से कुछ इंच नीचे बैठे सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, आप जाइए। एमएलए पठानी, मेरा घर अब क्यों लोड ले रही है? ठंड रख। चलो चलो अपने काम पे चलो। तू क्या देख रही है, तू भी आ जा। पता नहीं मिनिस्टर साहब कैसे होंगे, ये हेलोवीन का त्योहार इधर क्या कर रहे हैं? तुम कितना पतला हो गया आजकल, डाइट पे नहीं होना। सीरियसली बोल छी। हाँ थैंक यू। अभी काम की बात करता है। हमारा ससुर जो तुमको बोलेगा वो हमारे कान में फुसफुसा दो, हमारे जिंदगी में अच्छा दिन आ जाएगा। ठीक है आओ मेरे साथ। अरे मिनिस्टर साहब। सुशील मुशाई, आपको देख के बहुत दुख हो रहा है, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपकी हजामत बनाऊंगा। मैं टेलर एमएलए, अगर डॉक्टर से टाके नहीं लग रहे हो तो मैं मंगूस चप धागे से सिलाई कर दूं क्या? अरे क्या बोल रहे ससुर जी, वो आपका भला चाहते हैं और आप उसे भगा रहे हैं। हाँ मैं तंगू से टाके मारूंगा क्या? तुम्हें नहीं भगा रहा हूँ, मैं इस गधे को भगा रहा हूँ। तुमने क्या लो? मेरे ससुर की जिंदगी ओसुर हो गई है। लेकिन वो जो बोला कान में जरूर बोला, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। खुद को डॉक्टर समझता है, दूसरी फेल है। इसमें क्या देखा जो दामाद बनाए? नजदीक आऊँ, बोलो, सुनाई देता है, बोलो।
यमराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको बोल के अपनी लाइफ तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम्हारी लाइफ लाइन हूँ मैं। लाइफ लाइन की औलाद, ऑक्सीजन पाइप लाइन से पैर हटा मारेगा मुझे। गलती हो गई मिनिस्टर साहब, माफ करना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने जिंदगी में हमेशा गलत काम, वो तो है, कुछ अच्छा काम नहीं किया। कुछ नया बताओ, ये तो सबको पता है। 500 करोड़ कमाए हैं मैंने लोगों को टोपी पहना। अरे आराम से और बताते जो मैं सुन रहा हूँ। हाँ। वो रुपए मैंने छुपा कर रखे। अच्छा अच्छा, वो जगह। अरे ये कहाँ से आ गए, भगाओ इन्हें, भगाओ। चलो निकलो यहाँ से, फोड़ा फोड़ा। किसी काम का नहीं आपका दमद। सांस लो, सांस लो, सांस। 500 करोड़ रुपए मैंने नूर महल में छुपा कर रखे। 500 करोड़ का घपला किया आपने। अरे बोल, किसी को पता चल गया तो 500 करोड़ रुपए की वाट लग जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम उन पैसों का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करना। करूंगा करूंगा, उस पाप के पैसे से आपके सारे पाप धो दूंगा। मरने के वक्त मिनिस्टर ने टेलर को क्यों बुलाया? तो गया वो। ये इधर क्या कर रहा? लगता है आपको छोड़ के ससुर जी 500 करोड़ का राज सबको बताने वाले। देख लेना मैं। हाँ पूछो इसे। वो दर्जी अंदर है ना, ये बताओ उसे यहाँ किसने बुलाया। पहले ये बताओ तुम इधर कैसे आए। झूठ बोलो। मैं उनकी तबीयत पूछने। 500 करोड़ के बारे में पूछने नहीं आए? अरे ये तो भाव की तो कुछ भी बकवास कर रहा है, आप चिंता मत करो। सच बोल रहा दर्जी। किधर है बॉस? दर्जी टेलर एमएलए कहाँ है जानो? मेरे सामने उसका नाम मत ले। तुमको जलाने के वास्ते नहीं पूछा, तुम ठंडा लो ठंडा। वो किधर गया होगा? दरवाजे के बाहर ही गया। चलो 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 चलो, 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 चलो। अरे किधर चले गए? कायको, कायको किया मेरे साथ ऐसा? 10 साल तक तेरे घर में पोछा लगाया, सिर्फ तेरे लिए मैंने 20-25 दंगे करवाए, किडनैपिंग कराई, कितने लोगों को कहा कंट्रोल। अब वही तो नहीं हो रहा, तुझे पता नहीं है इसने एक बार संडास भी साफ कराया, और जब बदला चुकाने का वक्त आया तो उस टेलर को एमएलए बना दिया। भगवान, या तो मुझे उठा ले या इसको उठा ले, लेकिन ये उठ गया तो मुझे मिनिस्टर तेरा बाप बनाएगा। अरे जल्दी करो, पूरा कोलकाता बर्बाद हो गया, पकड़ो उसको, भाग गया, तातड़ी। ए, मैं तुझे कौन सी दवा खिला दूं कि तू उठते ही मुझे मिनिस्टर बना दे और फिर मर जाए? अरे मैंने तेरी इतनी सेवा की है जितनी अपने सगे माँ बाप की भी नहीं की। मुझ जैसे मासूम बच्चे की बद्दुआ लगेगी इसको। भाई लगता है डॉक्टर की सैलरी से इसका खर्चा नहीं चलता होगा, इसीलिए पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता होगा। डॉक्टर कम मॉडल लग रहा है। सॉरी सर, 10 मिनट हुआ अलविदा लिए। इनसे बात करने के लिए अब आपको ऊपर जाना होगा। इतनी जल्दी बद्दुआ कैसे लग गई? जल्दी जल्दी जल्दी, तातड़ी 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 तातड़ी। चल चल तातड़ी चल, लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले, एवर राइट ले राइट ले, सीधा चल। अरे हॉर्न दबा यार मिक्की। हाँ। मेरे ससुर ने एक बार मुझसे बीड़ी मांगी थी और बदले में मैंने उसे उड़ीसा की चुरुट पिला दी थी। हाँ। इसलिए उसने 500 करोड़ का राज एमएलए को बता दिया। ऐसा क्या? आपके ससुर को टपका दे? अरे बुड्ढे का एक पैर कब्र पे, दूसरा केले के छिलके पे। राइट ले राइट ले राइट ले। बाबा तूने माल मारा है क्या? गाड़ी स्लो हो गई, जल्दी ले स्पीड बढ़ा। अरे तातड़ी को